नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सीधी लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस के हाथ से फिसल सीधी बनी भाजपा का गढ़। जीत ने राजघराने के भाइयों में डाली थी फूट। चुनावी रण में प्रत्याशियों ने दिखाया दम। मध्य प्रदेश में सीधी लोकसभा क्षेत्र शुरुआती दौर में सोशलिस्टों के कब्जे में थी। पहले दो चुनाव में ये शेड्यूल सीट के साथ जुड़ी थी, फिर कांग्रेस ने यहां अपनी पैठ बनाकर इसे अपना गढ़ बना लिया। साल 1962, 1967, 1980, 1984 और 1991 में यहां से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई। हालांकि बीच में कई बार जनसंघ और भाजपा के प्रत्याशी भी जीते। इसके बाद भाजपा ने इस सीट पर अपना स्थायी कब्जा जमाया। कांग्रेस के हाथ से फिसली सीधी लोकसभा सीट तो अब भाजपा का गढ़ है। इस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के कई दिग्गजों ने हाथ आजमाया, लेकिन उन्हें करारी शिकस्त मिली। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह के पुत्र अजय सिंह राहुल और भाई राव रण बहादुर सिंह भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। साल 2009, 2014 और 2019 में लगातार 3 चुनाव जीतकर भाजपा हैट्रिक लगा चुकी है। यहां भाजपा का वोट प्रतिशत भी लगातार बढ़ रहा है। जीत के बाद भाइयों में बड़ा विवाद। सीधी जिले के चुरहट के पूर्व राजघराने के सबसे बड़े बेटे व पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह के भाई राव रण बहादुर सिंह साल 1971 में निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। उनके मैदान में आने से भारतीय जनसंघ और कांग्रेस के नेताओं की चुनौती बढ़ गई। बताया जाता है कि राव रण बहादुर सिंह के चुनाव मैदान में उतरने से अर्जुन सिंह नाराज थे। निर्दलीय चुनाव जीतने पर दोनों भाइयों में सियासी मतभेद भी शुरू हो गया। अर्जुन सिंह सीट को आरक्षित कराने के प्रयास में जुट गए। विवाद इतना बढ़ गया कि वे भाई के विरुद्ध कोर्ट में गवाही देने तक पहुंच गए थे। वर्ष 1980 में ये सीट एसटी के लिए आरक्षित हो गई। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद फिर से सामान्य सीट हो गई। उधर राव रण बहादुर सिंह वर्ष 1998 में चिनवर मिशन आश्रम में रहने के लिए आ गए थे और अंत तक यहीं से जुड़े रहे। स्टिंग ऑपरेशन में फंस गए थे भाजपा सांसद। सीधी लोकसभा सीट 12 दिसंबर 2005 को उस समय पूरे देश में चर्चा में आ गई जब भाजपा के तत्कालीन सांसद चंद्र प्रताप सिंह पर सदन में सवाल पूछने के बदले 35,000 रूपए की रिश्वत लेने के आरोप लगे। रिश्वत लेने का स्टिंग ऑपरेशन भी किया गया था। आरोपों की जांच करने के लिए सदन ने 23 दिसंबर 2005 को विशेष समिति गठित की। जांच में चंद्र प्रताप सिंह दोषी पाए गए। उपचुनाव में कांटे की टक्कर में जीती कांग्रेस। वर्ष 2007 के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मानव सिंह चुनाव मैदान में थे। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, दोनों दलों की प्रतिष्ठा दांव पर थी। भाजपा के तमाम मंत्री और विधायक सीधी में डटे रहे तो कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगा दिया। क्षेत्र की जनता ने अर्जुन सिंह के नाम को प्राथमिकता दी और मानिक सिंह जीत गए। मानिक सिंह केवल 1500 वोट से जीते थे। कांटे की टक्कर के इस चुनाव की क्षेत्र में अक्सर चर्चा होती है। तैयारी कर रहे थे गोविंद मिश्रा, रीति पाठक को मिला टिकट। साल 2014 की बात है, तत्कालीन भाजपा सांसद गोविंद मिश्रा दूसरी बार लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे थे। वे स्थानीय छतरसाल स्टेडियम में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करने वाले थे। भाजपा ने एक दिन पहले देर शाम जिला पंचायत अध्यक्ष रही रीति पाठक को प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा कर दी। गोविंद मिश्रा टिकट कटने से हतप्रभ रह गए और उनके समर्थकों में मायूसी छा गई। दरअसल रीति पाठक का नाम टिकट की दौड़ में कहीं नहीं था। रीति पाठक ने ये चुनाव जीत लिया। अर्जुन की प्रतिष्ठा की दुहाई राहुल के काम नहीं आई। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अर्जुन सिंह के पुत्र अजय सिंह राहुल को प्रत्याशी बनाया और उन्होंने अर्जुन सिंह दाऊ साहब की प्रतिष्ठा से जोड़कर वोट मांगे, लेकिन इस चुनाव में भी भाजपा जीत हासिल करने में कामयाब रही। रीति पाठक के सामने अजय सिंह राहुल 3.5 लाख मतों से पराजित हुए। अर्जुन सिंह की प्रतिष्ठा की दुहाई काम नहीं आई। सीधी, चुरहट, चौहनी, सिहावल, देवसर, चतरंगी, सिंगरौली और ब्योहारी शहडोल विधानसभा शामिल है। सीधी लोकसभा क्षेत्र में मतदाता कुल मतदाता 20,18,153 पुरुष, मतदाता 10,46,395 महिला, मतदाता 9,71,744 थर्ड जेंडर 14। सीधी लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने पहनाया ताज। सीधी लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने पहनाया ताज। 1962 आनंद चंद्र जोशी कांग्रेस, 1967 भानु प्रकाश सिंह कांग्रेस, 1971 राव रण बहादुर सिंह निर्दलीय, 1977 सूर्य नारायण सिंह भारतीय लोकदल, 1980 मोतीलाल सिंह कांग्रेस, 1984 मोतीलाल सिंह कांग्रेस, 1989 जगन्नाथ सिंह भाजपा, 1991 मोतीलाल सिंह कांग्रेस, 1996 तिलक राज सिंह कांग्रेस, 1998 जगन्नाथ सिंह भाजपा, 1999 चंद्र प्रताप सिंह बाबा भाजपा, 2004 चंद्र प्रताप सिंह बाबा भाजपा, 2007 मानिक सिंह उपचुनाव कांग्रेस, 2009 गोविंद मिश्रा भाजपा, 2014 रीति पाठक भाजपा, 2019 रीति पाठक भाजपा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं।
वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन अब नो टेंशन, शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख किस बात की, आज ही संपर्क करें 8821000717।